हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल को मैं शुरुआत कर रहा हूँ मॉर्निंग में, सुबह का। अभी बज रहा है करीब 6:30 के आसपास टाइमिंग है। मैं अभी बैंडल टू स्टार्ट कर रहा हूँ बांसबेरिया। छोटा सा राइड कर रहा हूँ बांसबेरिया। मेरा लास्ट डेस्टिनेशन है जो मैं बैंडल टू बांसबेरिया। छोटा सा राइड मॉर्निंग में, एक छोटा सा राइड कर रहा हूँ जो कि ज़्यादा नहीं, 2 से 3 किलोमीटर के आसपास में है। मेरा डेस्टिनेशन मार्केट करने जा रहा हूँ, कुछ सामान लेना है मेरे को मार्केट से, इसलिए मैं जा रहा हूँ बैंडल टू बांसबेरिया। मेरा लास्ट डेस्टिनेशन बैंडल है और ये रास्ता गंगा के साइड से जाते हैं, गंगा के साइड वाला रास्ता है जो बांसबेरिया तक जाता है। ये मॉर्निंग का टाइम है, छोटे छोटे बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं अपने, इतना सुबह इनको भी ठंडा में भी जाना पड़ता है स्कूल, क्योंकि एजुकेशन का सवाल है ना, इसीलिए बच्चे लोग अपना भविष्य देखने के लिए बच्चे लोग को भी उठना पड़ता है इतना ठंड में सुबह। काफ़ी ठंड है, ये आ रहा है फाड़ी, पुलिस फाड़ी जो मेरे राइट हैंड में है वो पुलिस फाड़ी है। साधन पीओ पुलिस फाड़ी है और ये मैं जा रहा हूँ गंगा के साइड से ही है रास्ता जो कल्याणी ब्रिज के पास से निकल के बांसबेरिया जाता है। मैं जा रहा हूँ अभी 2 से 3 किलोमीटर के आसपास मेरा होगा, जैसे नहीं उससे भी बेसी डेस्टिनेशन नहीं है, मेरा थोड़ा सा डेस्टिनेशन है मेरा। ये मैं चला रहा हूँ 40 के स्पीड में, क्योंकि इससे बेसी तो चलाया जाएगा नहीं, इसी कारण से 40 के स्पीड में चल रहा हूँ मैं। ये रहा सनसेट, मॉर्निंग का टाइम में सूरज नहीं दिखा सकता आप लोगों को, मैं दिखाने का कोशिश करूंगा सूरज को सुबह का टाइम में किस तरह दिखता है मॉर्निंग में। मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा लगता है, ये रहा सूरज जो मॉर्निंग का टाइम में इस तरह से दिखता है, पूरा मस्त व्यू लग रहा है मॉर्निंग में सूरज का नज़ारा लेते हुए रोड पे मैं जा रहा हूँ। सूरज दिखाने के लिए मेरे को थोड़ा रुकना पड़ा, चलाते चलाते मोटो ब्लॉक कर रहा हूँ बाइक से। और इधर से काफ़ी सारे मंदिर है, ये मंदिर है, काफ़ी सारा मंदिर है, कम से कम 2, 3, 4, 9, 10 करीब होंगे, 9-10 तो मंदिर है यहाँ पे एक साथ। ये साहबगंज बोलते हैं इसको, बांसबेरिया रोड है ये। ये पूरा गंगा के साइड वाला रास्ता है जो काफ़ी नैरो है, यहाँ पर टू व्हीलर फोर व्हीलर जाता है, बड़ी गाड़ी सब नहीं जाते हैं यहाँ से, क्योंकि ओनली फॉर स्मॉल व्हीकल्स के लिए ये रास्ता है, छोटे छोटे व्हीकल्स है उनके लिए है, टू व्हीलर टेम्पू ऑटो उसके लिए है ये रास्ता। ये शॉर्टकट रास्ता है जो गंगा साइड से होते हुए कल्याणी फ्लाईओवर पर जाता है, जो कल्याणी के टूवर्स कोलकाता के आसपास 12 साल जाता है उसका। मैं आपको दिखाऊंगा व्यू थोड़ा कल्याणी ब्रिज का, गंगा का भी व्यू दिखाने का कोशिश करूंगा जो गंगा है
गंगा के साइड से जा रहा हूँ, आप लोगों को गंगा नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि इतना सारा फैक्ट्री, डल्ला फैक्ट्री वगैरह है। ये है डल्ला फैक्ट्री जो मेरे लेफ्ट हैंड में है। ये है डल्ला बोल के फैक्ट्री है जो बहुत फेमस है यहाँ के हुगली डिस्ट्रिक्ट के फेमस डल्ला फैक्ट्री है ये पूरा। आप लोग को व्यू दिखाऊंगा गंगा का, धीरे धीरे जा रहा है इसलिए ये मॉर्निंग में फीस वाला लोग जा रहे हैं फीस लेके, काफ़ी भोर में उठे हैं मार्केट में बिक्री करने के लिए फीस अपना गाड़ी पे लौट के भोर में ये लोग जाते हैं हम फीस मार्केट से फीस उठा के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये लोग, माने जगह जगह पे बिक्री करते हैं लोग अपना ये लेके। और ये रहा गंगा का व्यू, गंगा का तो व्यू आप लोग को दिखेगा ही नहीं अभी। और इतना अच्छा सूरज का सनसेट है, वो रहा वो सेट गंगा। और ये सूरज का व्यू जो काफ़ी मस्त लग रहा है, सूरज का व्यू। और वो रहा गंगा जो काफ़ी दूर में है, थोड़ा थोड़ा आप लोग को दिख रहा होगा। जहाँ तक उनको दिखेगा मैं दिखाऊंगा व्यू अच्छे तरीके से। और ये मेरा स्कूटी है जिसे मैं मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ, राइड कर रहा हूँ, छोटा सा राइड जो गंगा का व्यू दिखा पाऊँ आप लोग को। ये रहा गंगा का व्यू जो गंगा नज़दीक में है, गंगा के साइड से ही रास्ता दिया हुआ है। ये देखिए गंगा जो काफ़ी सुंदर लगता है सुबह सुबह मॉर्निंग में देखने में एकदम। ये अभी कॉन्फ्रेशन आएगा बागबेरिया का, ये गंगा का व्यू है गंगा साइड है। और मैं अभी बागबेरिया कॉर्पोरेशन ऑफिस पहुंच रहा हूँ बागबेरिया के साइड में। ये कॉर्पोरेशन ऑफिस बागबेरिया का जो है बागबेरिया म्यूनसिपलिटी, बागबेरिया ये रहा म्यूनसिपलिटी, बागबेरिया म्यूनसिपलिटी ऑफिस है। और मेरा डेस्टिनेशन तक पहुँचने वाला है, ज़्यादा दूर है नहीं। मेरा गंगा, गंगा का व्यू जहाँ तक मेरे को दिख रहा है मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को गंगा का व्यू। और ये छोटा सा गंगा के पास में एक पार्क टाइप का है जो क्या है ये कुमार मंगलम देवस्य क्या है वे बोर्ड भी इतना गंदा है कि दिनगर। और ये सामने है अपना कल्याणी वाला ब्रिज जो टूअर्ड बारासात कोलकाता और बहुत सारे जगह जाता है, कलकत्ता भी जाता है। और ये रहा गंगा का व्यू जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है गंगा का, गंगा के ऊपर में और एक फ्लाईओवर बन रहा है वो है ये। और ये है कल्याणी ब्रिज जो कोलकाता प्लस और भी नन्न नगर जगहों पर जाता है जैसे हुआ कोलकाता बारासात सदर आपका जाता है ये। और मेरा डेस्टिनेशन बस पहुंचने वाला हूँ, लास्ट डेस्टिनेशन मेरा बैंडेज जो बागबेरिया जो है मैं पहुंचने वाला हूँ, मेरा डेस्टिनेशन है दे। और हाफन एक किलोमीटर के आसपास भी नहीं होगा मेरा डेस्टिनेशन क्योंकि मैं पहुंच जाऊंगा अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ पे मेरे को कुछ सामान खरीदना है। खरीदने के बाद फिर मैं वापस चला जाऊंगा रिटर्न। मेरा मोटो ब्लॉग में लास्ट डेस्टिनेशन पहुंच रहा है, ये है बागबेरिया हुगली पहुंच गया मैं बागबेरिया, मेरा अपना जहाँ पे आना है मेरे को वहाँ से आ गया हूँ। ये बागबेरिया गणेश जूट मिल है जो मेरा डेस्टिनेशन था बागबेरिया। और मैं बागबेरिया पहुंच गया हूँ,
मैं अपना मोटो ब्लॉग यही एंड कर रहा हूँ। आप सबों को मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो कीजिएगा ताकि मैं अच्छा से मोटो ब्लॉग आप लोग के लिए ला सकूँ।